हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज़। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बच्चों के लिए बहुत ही सीख देने वाली एक स्टोरी। आज हम यहाँ स्टोरी में पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की स्टोरी विद हिंदी में एक्सप्लेन मैं आपको करने वाली हूँ, और इसका मैं आपको मॉरल भी बताऊँगी, यानी कि जो सीख आपको इस स्टोरी से मिलने वाली है वो भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊँगी। स्टोरी का आज की हमारी स्टोरी का नाम है द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। मैं आपको इसका हिंदी में एक्सप्लेन भी करूंगी अच्छी तरह से। द बॉय हु क्राइड वॉल्फ। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय हु वॉज बोर्ड वॉचिंग हिज फॉल्क ऑफ शीप ऑन द हिल। एक बार की बात है, एक गांव में एक नॉटी बच्चा रहता था। आप में से बहुत से लोग भी नॉटी बच्चे होंगे। हु वॉज बोर्ड वॉचिंग हिज फ्लॉक ऑफ शीप ऑन द हिल। फ्लॉक ऑफ शीप मतलब भेड़ों का झुंड। वो भेड़ों को, बहुत सारी भेड़ें उसके पास थी, वो उन भेड़ों को चराने के लिए पहाड़ी पर लेकर जाता था। वन डे ही हैड एन आइडिया टू ट्रबल विलेजर्स एंड टू अम्यूज हिमसेल्फ ही शाउटेड वॉल्फ वॉल्फ द शीप आर बीइंग चेस्ड बाय द वॉल्फ। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों को डराकर खुद खुश हुआ जाए। उसने बहुत जोर जोर से चिल्लाया, ये सोचकर उसने बहुत जोर जोर से चिल्लाया कि एक भेड़िया आया है, भेड़िया आया है, तो और भेड़िया ने मेरी बकरियों को, भेड़ बकरियों को पकड़ लिया है। ऐसा सुनकर उसने ऐसा जोर जोर से चिल्लाया, ऐसा आइडिया लगाकर। द विलेजर्स कम रनिंग टू हेल्प द बॉय एंड सेव द शिप। जब सारे गांव वाले एक साथ आ गए, उन्होंने देखा, दे फाउंड नथिंग एंड द बॉय जस्ट लाफ लुकिंग एट देयर एंग्री फेसेस। उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और वो जो लड़का था वो जोर जोर से उनको देख के, उनके गुस्से से भरे हुए चेहरे को देख के हंस रहा था। डोंट क्राई वॉल्फ वैन देयर इज नो वॉल्फ बॉय बॉय। तुमने ऐसा क्यों कहा कि भेड़िया आया है जबकि यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं आया। दे सेड एंग्रीली और यहाँ से चले गए, ऐसा बोले उसे, और फिर वो वहाँ से चले गए। द बॉय जस्ट लाफ्ड एट देम। उसने, वो लड़के ने उन पर बहुत हंसा। After a while, he got bored and cried wolf again, fooling the villagers a second time. उसने फिर यही तरीका दूसरी बार फिर से आजमाया कुछ देर के बाद। The villagers came running to help the boy and save the ship. They found nothing this time too, and the boy just laughed, looking at their angry faces. This time, the angry villagers warned the boy a second time and left. फिर से वही हुआ। उसने फिर से चिल्लाया कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, लेकिन उस वक्त भी कोई भेड़िया नहीं आया जब सारे विलेजर्स यानी सारे गांववासी उसे बचाने आए, उसे और उसकी शिप्स को, तो वहाँ पे फिर भी कोई नहीं था। तो फिर से वो उन लोगों को देखकर हंसा, सारे गांव वालों को देखकर, और उसके बाद फिर से उसने, वो लोग उसे वार्न करके यानी कि समझा के चले गए। बॉय कंटिन्यूड वॉचिंग अ फ्लॉक। आफ्टर अ वाइल ही सॉ अ रियल वॉल्फ एंड क्राइड लाउडली, वॉल्फ प्लीज हेल्प, द वॉल्फ इज चेजिंग द शीप, हेल्प। एक बार, अब इस बार बहुत देर की, थोड़ी देर के बाद फिर उसमें यहाँ पर एक सच का भेड़िया आ गया, रियल वाला वॉल्फ आ गया। फिर उसने चिल्लाया बहुत ज़ोर ज़ोर से, वॉल्फ मतलब भेड़िया आया, भेड़िया आया, प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरी बकरियों को, भेड़ बकरियों को वो खा रहा है, पकड़ लिया है उसने। बट दिस टाइम नो वन टर्नड अप टू हेल्प। बाय इवनिंग इस बार कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। When the boy did not return to home, the villagers wondered that what happened to him and went to the hill. The boy sat on the hill weeping. इसके बाद जब वो नहीं आया शाम तक, तो बहुत सारे villagers चिंता में पड़ गए कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। फिर सब के सब मिलजुल कर हिल पर, यानी कि वो उस पहाड़ पर गए जहाँ पे वो बच्चा, अपनी लड़का अपनी बकरियों को चलाता था। तब उन्होंने वहाँ जाकर देखा, तो उन्हें क्या दिखता है कि वो जो लड़का है वो पेड़ पर चढ़ गया है और भेड़ बकरियां वहां से गायब है। ही सेड एंग्रीली, वाई यू डिड नॉट केम व्हेन आई कॉल्ड आउट देयर दैट देयर वॉज अ वॉल्फ। आप सब जब क्यों नहीं आए, तब मैं वहां जोर जोर से चिल्ला रहा था कि भेड़िया आया है। द फॉल्क आर स्कैटर्ड नाउ ही सेड। जो मेरा भेड़ियों का झुंड था, अब वह पकड़ उस भेड़िए द्वारा पकड़ कर भाग गया है, उसे भेड़िया से डर कर भाग गया है। ही सेड। तब उसे एक
ओल्ड विलेजर यानी कि गांव के एक बूढ़े आदमी ने कहा। एंड ओल्ड विलेजर अप्रोच हिम एंड सैड, पीपल वॉन्ट बिलीव लायर्स इवन वैन दे टेल द ट्रूथ, वी लुक फॉर योर शीप टुमारो मॉर्निंग, लेट्स गो होम नाउ। उस वक्त एक बूढ़े आदमी ने उस पर उसे बोला कि तुम ऐसे झूठ बोलो, लोग झूठे आदमी पर यकीन नहीं करते हैं, तब भी यकीन नहीं करते अगर वो कोई सच बोले, तो भी उस पर यकीन नहीं किया जाता अगर वो एक बार झूठ बोलकर झूठा साबित हो जाता है। तो चलो अभी हम आप तुम्हारी शिप्स को यानी कि तुम्हारी भेड़ बकरियों को कल सुबह ढूंढ लेंगे, अभी के लिए तुम घर चलो। इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज लाइंग ब्रेक ट्रस्ट, नोबडी ट्रस्ट अ लायर इवन व्हेन द ही इज टेलिंग द ट्रूथ। जो झूठ होता है, झूठ से एक बार भरोसा टूटने के बाद उस दूसरी बार कोई भी एक झूठे आदमी पर भरोसा नहीं कर पाता, इवन तब भी नहीं जब वह सच बोल रहा हो तब भी नहीं। सो गाइस, इसी के साथ एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। आप लोग भी कभी किसी से झूठ मत बोलिए और हमेशा सच का साथ दीजिए, और हमेशा अपने माता पिता से सच सच बोलिए, और अगर आपसे कभी कोई गलती भी हो जाए तो आप सच्ची सच अपने माँ बाप को आकर बता सकते हैं, और ऐसी हरकतें ऐसी शैतानियाँ ना करें जैसे कि इस बच्चे ने की। आखिर ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था, हो सकता था कि भेड़िया इसे भी खा जाए। इसी तरीके से आपको भी झूठ बोलने का कोई ना कोई नुकसान हमेशा होता ही है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए हमें उसके साथ साथ 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। सो झूठ नहीं बोलना चाहिए हमें। और ऐसे ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हमारे चैनल पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस वीडियो का PDF लिंक भी दे दूंगी, तो आप वो भी डाउनलोड करके अपने फ्रेंड्स एंड छोटे बच्चों को, भाई बहनों को सिखाइए और पढ़ाइए, ताकि वो भी कभी किसी से झूठ ना बोले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।